हेलो दोस्तों, मैं कल्पना अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेड पोटैटो रोल की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। ब्रेड पोटैटो रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। मैं एक पूरा ब्रेड का पैकेट यूज कर रही हूँ। ऑयल में मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है फ्राई करने के लिए। मसालों में हम लेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने लिया है पीनट, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका निकाल लिया है। 2 हरी मिर्च ली है मैंने, जिसे मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून मैंगो पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाँ, मैं गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दूंगी। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे ये राई और जीरा। राई जीरा हमारे क्रैकल होते ही हम इसमें डाल देंगे ये अनियन। अब अनियन को हमें ट्रांसल्यूशन होने तक तैयार कर लेना है। अनियन हमारे ट्रांसल्यूशन से हो चुके हैं, हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च और इसी के साथ हम डाल देंगे ये पीनट्स। इसे हम आधा एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। हम इसमें डाल देंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर। गरम मसाले में से हम आधा अभी मिलाएंगे, आधा हम थोड़ी देर बाद मिलाएंगे। सबको अच्छे से मिला देंगे। अब ये आलू मैंने मैश करके रख दिया था, अब ये इसमें मिला देंगे हम। अच्छे से मिला देंगे हम इसे। तो यहाँ ये सभी चीजें हमने इसमें मिला दी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये आमचूर पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट चाट मसाले में भी होता है, तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा। इसी वक्त पे हम बाकी बचा हुआ गरम मसाला भी डाल देंगे और सबको मिक्स कर देना है अच्छे से। तो ये आलू यहाँ बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इन्हें ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम ब्रेड रोल्स तैयार करेंगे। तो ये आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। मैं इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती मिला दूंगी, मिक्स कर देंगे। तो इसमें ये धनिया की पत्ती मैंने मिला दी है अच्छे से। चाकू से हम ये ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल देंगे काट के। इन कॉर्नर्स को फेंकिएगा नहीं, ये ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आ जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल लेंगे काट के। यहाँ ये मैंने सभी ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें हम ब्रेड के स्लाइस को डिप करेंगे और अपनी हथेली पे रख के इसका पूरा पानी निचोड़ के निकाल देंगे। अब हम इसके बीच एक चम्मच ये आलू की स्टफिंग रखेंगे और अब इस तरह से हम इसे सब ओर से मोड़ते हुए इसे बंद कर देंगे। हमें इसे इस तरह से दबा दबा कर एग की शेप में ले आना है। इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया है। अब मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से। तो यहाँ मैंने ये 6 से 8 ब्रेड रोल्स तैयार कर लिए हैं। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये ब्रेड रोल्स डाल के फ्राई कर लूंगी। हमें इसे तुरंत नहीं पलटना है, नहीं तो ये नीचे से फट जाएंगे। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये यहाँ फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया ब्राउन होकर के फ्राई हुए हैं। तो हमारे ब्रेड पोटैटो रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में या मॉर्निंग के नाश्ते के रूप में एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।